छात्र छात्राओं, आज हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता क्या है कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। इस समर्पण का आधार और शर्त है समता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता का क्या है कि संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देना। दूसरी है विशेषता हमारी, समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान, जीवन तथा इच्छा होती है। तीसरा है हमारा, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत हो जाता है, वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में ढल जाता है। नेक्स्ट, समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते से किसी प्रकार की स्थापना नहीं होती, वरन उससे संपूर्ण प्रभु संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभु संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो समाज का एक यंत्र मात्र होती है, तथा ऐसी सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसे बदला व हटाया जा सकता है। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर प्राप्त कर लेता है। रूसो के अनुसार समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो, यह तो एक निरंतर चलने वाला क्रम है जिसे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है। नेक्स्ट, इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक सावयव राज्य है, प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग होने के कारण राज्य से किसी भी प्रकार अलग नहीं हो सकता और न ही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण कर सकता है। इस प्रकार रूसो का सामाजिक समझौता हॉब्स और लॉक के समझौते से भिन्न होते हुए भी प्रभावित अवश्य है। हॉब्स की तरह रूसो ने माना है कि समझौते के लिए उत्सुक व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार बिना शर्त के समर्पित कर दिया। अब हमारे आती है समझौते सिद्धांत की आलोचना। पहला पॉइंट है, प्राकृतिक अवस्था क्या है? काल्पनिक है। यानी रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है वह कैसा है? काल्पनिक है। ऐतिहासिक तथ्य यह किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं करते कि मनुष्य ऐसे शांति में, सुख में और आदर्श में जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि रूसो ने क्या बताया है कि व्यक्ति शांति में, सुख में, आदर्श जीवन व्यतीत करते थे, तो आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है मानव स्वभाव का गलत अध्ययन, कि रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है मानव स्वभाव की गलत धारणा पर बना है। उसका मत है कि मौलिक रूप से मनुष्य अच्छा और गुणी है, उसके समस्त दोष बाहरी परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आलोचक कहते हैं निर्वाद रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य अच्छा या बुराई का सम्मिश्रण है। तीसरा हमारा नेक्स्ट आता है विचित्र विरोधाभास। रूसो के अनुसार ये समझौता व्यक्ति और समाज में होता है। दूसरी ओर रूसो ये बताता है कि समाज समझौते का परिणाम है। यह एक विरोधाभास है जो समझौते की धारणा को असंगत बनाता है। इसके अतिरिक्त रूसो के वर्णन में एक अन्य असंगति यह है कि कहीं तो यह समझौते को ऐतिहासिक घटना कहता है और कहीं उसे एक निरंतर चलने वाला क्रम। नेक्स्ट, सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध। रूसो सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है। उसकी ये मान्यता है कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ है वैसे वैसे उसका पतन हुआ है, लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है। मानव जाति का आज तक का इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के क्षेत्रों में विकास के जिन शिखरों को आज मनुष्य स्पर्श कर पाने में सफल हुआ है वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ। मनुष्य में विद्यमान जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट हमारा है, राज्य समझौते का नहीं विकास का परिणाम है। रूसो की धारणा सरासर गलत है कि राज्य का जन्म किसी समझौते के कारण हुआ है। आज ये सिद्ध हो चुका है कि राज्य का किसी समय विशेष में जन्म नहीं हुआ, वन उसका शनि शनि विकास हुआ है। नेक्स्ट, व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर देना।
रूसो के अनुसार समझौते के द्वारा व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को समर्पित कर देता है, अतः उसकी स्थिति स्वतंत्र और अधिकार विहीन हो जाती है। रूसो इसकी सफाई यह देकर कहता है कि समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति अपनी खोई हुई स्वतंत्रता और अधिकार पुनः प्राप्त कर लेता है, किंतु यह एक सैद्धांतिक कथन मात्र है। वास्तविकता क्या है कि रूसो ने व्यक्ति को पूर्णतः सामान्य इच्छा की निरंकुशता के हवाले कर दिया है। नेक्स्ट, व्यक्ति की स्थिति हास्यास्पद। रूसो ने व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व प्रदान किया है। शासन के रूप में वह नागरिक है और कानूनों का आदेश पालन करने वाले के रूप में प्रजा है, अर्थात वह नागरिक और प्रजा दोनों हैं। नागरिक की इस दोहरी स्थिति से जो परिणाम निकलते हैं वे बुद्धि से परे और हास्यास्पद हैं। उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को राज्य आज्ञा से फांसी पर लटकाया जाता है तो रूसो के अनुसार उसके संबंध में क्या कहा जाएगा कि उसे एक नागरिक की तरह अपने आप को फांसी पर लटकाए जाने की आज्ञा दी और एक प्रजा की तरह राज्य आज्ञा का पालन करते हुए वह फांसी पर लटक गया। यह न समझ में आने वाली विचित्र बात है। नेक्स्ट, रूसो का राज्य शीश कटा लेव्याथन। रूसो राज्य के समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं करता, फलते रूसो का राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य बन जाता है जिसे आलोचकों ने शीश विहीन लेव्याथन कहा है। इस शीश विहीन लेव्याथन इसलिए कहा गया है कि यद्यपि होफ के लेव्याथन की तरह सामान्य इच्छा से निर्देशित होने के कारण निरंकुश नहीं, लेकिन सामान्य इच्छा क्या है इसका निर्धारण करने का एक अधिकार उसके हाथ में केंद्रित है, अतः व्यवहारिक रूप से वह निरंकुश हो जाता है। इस तरह वह सामान्य इच्छा से पूर्ण जनतांत्रिक है, निर्देशित होते हुए भी निरंकुशता का उपयोग करने की स्थिति में बना रहता है, इसलिए वह शीश कटा लेव्याथन है। अब हम ये कह सकते हैं आलोचनात्मक निष्कर्ष के रूप में कि रूसो के सिद्धांत की जो आलोचना की गई है इसे काल्पनिक निरंकुश कहा गया है, लेकिन फिर भी कुछ महत्व अवश्य है। जैसे इस सिद्धांत के द्वारा रूसो ने देवी अधिकार के सिद्धांत पर कटु प्रहार किया है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत ने राज्य को मानवीय संस्था बताकर निरंकुश शासन का विरोध किया है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और शासन का आधार जनसहमति है। नेक्स्ट, इसने लोकप्रिय संप्रभुता को सुदृढ़ बनाया है। थैंक्स।